नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बी के। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है झांसी के टोरी फतेहपुर थाना अंतर्गत ग्राम रेवन में, जहां विद्युत वायर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अर्पित कुमार शर्मा मौजूद हैं। ये कहां, किस क्षेत्र में आग लगी है और इससे कितना नुकसान हुआ है? ये ग्राम रेवन पड़ता है, ये मऊरानीपुर तहसील में है जी। और ये रेवन का नई बस्ती टीला के नाम से एक मोहल्ला है जी। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया वहाँ पर कि हाई टेंशन लाइन जो निकली है बिजली की जी, उसकी स्पारिंग से ये इतना बड़ा आग का हादसा हुआ है। तो ये आग कैसे लगी थी और फिर इतनी कैसे बढ़ गई? इसमें शॉर्ट सर्किट बताया गया वहाँ पे। नीचे वहाँ पे कुछ अपले रखे थे और कुछ सूखी लकड़ियां रखी थी, चिंगारी वहाँ से निकली और उसने आग पकड़ी। बगल में सर उसमें क्या है कि एक फैक्ट्री थी वहाँ पे बारूद की फैक्ट्री ने आग पकड़ ली, जिसकी वजह से ये भीषण अग्निकांड हुआ। तो वहाँ पे धमाके भी जोरदार हुए होंगे, काफी गोले फटे। उन गोलों की वजह से ग्रामीण वहाँ आग बुझाने के लिए नहीं पहुँच सके, जिसकी वजह से आग बढ़ती गई और पूरे वहाँ क्षेत्र के मकानों को अपनी आगोश में ले लिया आग ने। अच्छा, तो जब विस्फोट हो रहे थे उस समय तो भगदड़ मच गई होगी वहाँ पर, तो ऐसे में क्या पुलिस दमकल कर्मी वहाँ पहुँचे, फायर ब्रिगेड के लोग वहाँ पहुँचे और आग को फिर कैसे काबू पाया गया? हाँ, फायर ब्रिगेड मऊरानीपुर से गाड़ी आई, थाना अध्यक्ष टोड़ी फतेह बजमेर सिंह पहुँचे। इन लोगों ने भीड़ को वहाँ से हटाया, बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा क्षति वहाँ पर जमुना यादव की हुई है। तो कितना नुकसान बताया जा रहा है लगभग इस आग से? ये लाखों में पहुंच गया है यहाँ पे, क्योंकि जमुना की वहाँ पे बकरियाँ भी जल गई उसी में और एक गाय भी जल गई है और कुछ उनका खाने का सामान था वो जल गया जी। कितने घरों को चपेट में लिया है आपने? इसमें 3 घर चपेट में आए। 3 घर, बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित। और तो क्या अभी स्थिति क्या है, क्या आपको आग पर काबू पा लिया गया है? आग पर काबू पा लिया गया है और अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो भूसा वहां पड़े थे बाड़ों में वो अभी आग उसकी शांत नहीं हुई है, तो उसको भी बुझाने में लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पित इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता अर्पित कुमार शर्मा जो हमें घटना की पूरी जानकारी दे रहे थे। सर, यहाँ से एक ट्रैक्टर निकला भूसे का, उस पर टाट लगा हुआ था, तो शॉर्ट सर्किट जो हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ जो उपले और जलाऊ लकड़ियाँ रखी थी उनमें आग लगी और वहाँ से फिर पूरे में फैल गई है जी। आपके ऊपर जो तार दिख रहे हैं, इसी से शॉर्ट सर्किट हुआ क्या? हाँ सर, बिल्कुल, ये काफ़ी ऊंचाई में है ना इधर, और यहाँ से जो ट्रैक्टर खेती वाले हैं सारे खेतों के इधर से ही निकलते हैं। तो आप क्या मानते हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगी? बिल्कुल सर, शॉर्ट सर्किट से ताऊ की चिंगारी से आग लगी थी यहाँ से ले। तो ये आगे बताया जा रहा है जो फैक्ट्री बारूद की वो आप ही की है क्या? हाँ, हमारी है और यहाँ से आगे जलती हुई पीछे पहुँची। उसमें कितना आपका सामान रखा था बारूद का? कम से कम 2.5 लाख का सामान था, कच्चा माल था और रेडीमेड का माल था। तो आप मानते हैं कि ये आगे शॉर्ट सर्किट से लगी है? हाँ, बिजली विभाग की लापरवाही के चलते। हाँ, इसी की लापरवाही से। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता, देखते रहिए न्यूज़ बीके।